जय जोहार, मैं अमन आपमन के स्वागत करो था न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। इस समय की बड़े खबर के बात करबो तखतपुर क्षेत्र ले। तखतपुर क्षेत्र में बाढ़ जैसा स्थिति बने हुए है। लगातार होत बारिश के बाद नदी के जल स्तर एकदम से बढ़ गए है और पूरा तखतपुर क्षेत्र में लगभग बाढ़ असन स्थिति बन चुके है। तखतपुर शहरी क्षेत्र के साथ साथ बात करें जाए तो तखतपुर मेर के मोढ़े नाम के गांव में स्थिति बहुत खराब हो गए है। फसल है तबाह हो चुके हैं, लोगन मन के घर के अंदर पानी घुस चुके हैं और घर के सबो सामान है खराब हो गए है। मनियारी नदी है उफान में है और तबाही के मंजर नजर आवत है तखतपुर क्षेत्र में। पूरा प्रदेश भर में पिछला 3-4 दिन से लगातार तेज बारिश होवत रही से तेकर कारण पूरा प्रदेश भर के नदी मन के जल स्तर हा लगातार बढ़त हुए नजर आवत रही से। तेकर बाद अभी तखतपुर क्षेत्र के मनियारी नदी के जल स्तर हा एकदम से बाढ़ गए है और उमेर के आसपास के क्षेत्र में घर के अंदर तक पानी घुस चुके है। आप मल्ला बतावत हन तखतपुर क्षेत्र के घटना जिहां पानी के स्तर अतका बाढ़ गए है के लोगन मन के जीना मुहाल हो गए है। घर में रखे पूरा सामान खराब हो गए है। कई लोगन मन तो घर छोड़ के जाए पर मजबूर हो गए हैं। तखतपुर शहर के भी हालत लगभग वैसने हावे, कमर तक पानी भरे हुए नजर आवत है। शहर के अधिकांश क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार बने हुए है। लोगन मन के घर के अंदर तक पानी घुस चुके हैं और बहुत अकन आदमी मन अपन घर ला छोड़ के जाए पर मजबूर हो गए हैं। अगर घर ला छोड़ के नहीं भी जावत है तो मन ला कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखे ला पड़त है घर से घर में घुसे पानी ले बाचे पर। ये विषय में अधिक जानकारी पर हमारे संग वहां के स्थानीय निवासी जुड़त हैं। का स्थिति है वहां? सर यहाँ की स्थिति तो इतना बुरा गंभीर है, जहाँ तक के पूरा बस्ती के अंदर पानी घुस चुके हैं और एमा साथ साथ में बस्ती के अंदर घर में पानी घुसे है, सामान पूरा बर्बाद हो गए है और साथ साथ में धान मन जो रही से वो धान में पूरा भीग चुके हैं। यहाँ तक कम से कम 17 से 18 से घर की दीवार पूरा ढह चुके नीचे। तो ये स्थिति कब से बने हुए है वहाँ? ये जो बाढ़ की स्थिति बनी से तेन पानी भराव कब ले चालू हुई, सब कब एकर जन विकरालता है तेन बाढ़ी से? हाँ, ये सवेरे आज लगभग 7 बजे से स्टार्ट हुई थे, मतलब रात में स्टार्ट हो गई थी हल्का फुल्का, लेकिन 7 बजे से स्टार्ट हुई थी। अभी तक के जो हरजल स्तर है बढ़ते ही जावत है, कम नहीं होते। तैमा शासन प्रशासन के वहाँ के स्थानीय अधिकारी मन के आके कुछ जायजा लीज है का गाँव मन के कहना है विषय में? एमन सूचना तो हम पंचायत तरफ से दिए रहे हैं, लेकिन यहाँ न तो कोई शासन के अधिकारी आए, ना तो प्रशासन के अधिकारी नहीं आए और केवल फोन बस में बोला थे कि हम लोग आप मन जैसे भी हो वहाँ व्यवस्था देखो, अभी तक कोई नहीं पहुँच पाए। तो जो बाढ़ के स्थिति बने हुए है तेन तखतपुर के आसपास के कौन कौन से गाँव में है और कतेक पान हो गए है? कौन गाँव, कोई गाँव में कम या ज्यादा है या पूरा क्षेत्र में लगभग एक असन हावे? एकर तनाव लगभग यहाँ से कोड़ापुरी जो है जहाँ तक के अमोरा, चिराहा, कापा, पजबहरा और यहाँ तक के लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में जल तनाव पूरा फैले हुए है। अब अगर नगरीय क्षेत्र के बात करें जाए तखतपुर के, तो वहाँ के क्या स्थिति है वर्तमान में? वर्तमान स्थिति ऐसी ही है कभी तखतपुर के तखतपुर पूरा तखतपुर डूब चुके हैं। थोड़ा से जो जहां हल्का फुल्का है, जहां जानकारी वहां तक ही सीमित है, बाकी सब जगह पर डूब चुके हैं तखतपुर भी। जी, ये तमाम जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अभी आप मन देखे हो तखतपुर क्षेत्र की स्थिति हमन आप मन ला बताएं। पूरा क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुके है, बाढ़ असन स्थिति निर्मित हो गए है लोगन। तय विषय में हमर संग तखतपुर क्षेत्र ले विधायक और संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह जी जुड़त हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन बाढ़ के स्थिति बने हुए है क्षेत्र में तेकर तेन ला लेके ओकर से बचाव पर शासन प्रशासन के का तैयारी है अभी? जी नमस्कार, आप मन प्रशासन के तैयारी पर पूछा था तो मैं बताना चाहता हूँ
कि परो दिन रात में एक कश्यप जी है खूटाघाट डैम में फंस गए रही से, तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ला बुला के ओकर रेस्क्यू ला कराई। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शासन हद तक अतका सजग है। और अभी तखतपुर हा काठा कोनी मार्ग है बाढ़ में डूब गए, तो प्रशासन के तरफ ले वहाँ रोक लगाए गए, वो मार्ग में आवागमन रोक दिए गए। और चितावर करके गांव है वहाँ 30-35 जी डूब मार हुए क्षेत्र के रहें, छत में चढ़े रहें, वहू मन के रेस्क्यू हो गए है। दो लड़का मन देवतारा गांव में एक एनीकट है वहाँ बह गए रही ने, तो कल रात में कर सूचना आई कि लड़का नहीं मिला थे, वो मन के साइकिल वहाँ दिखा थे, तो वहाँ से भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो गए रही थे। एक बच्चा के शरीर बरामद हो गए, एक बच्चा के ढूंढे पर अभी भी राहत कार्य चला थी। जी, तो ये जो बाढ़ जैसा हालात बने हुए तेकर से क्षेत्रवासी मतलब जो नुकसान हो गए है तेकर बारे में आप मन का कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर जो नुकसान हुए कर भरपाई राजस्व विभाग होकर आकलन करी और सब मुआवजा राशि मिली। पहली भी एकर में पहली भी अतिवृष्टि हुई है और जैन भी फसल के नुकसान हुई है, सब चीज के आकलन होके जनता ला पीड़ा जैन है वाला दूर करे के प्रयास आदरणीय भूपेश जी के सरकार करा थे। और एमा भी बहुत दुख के बात है, लेकिन ये प्राकृतिक घटना है, एमा इंसान के कोई जोर नहीं चल सके, लेकिन प्रशासन पूरे तौर से सजग है और 24 घंटा निगरानी करा थे। पुल जैन पानी है वो बढ़े नहीं है लेकिन घटे भी नहीं है, तो सब कटाव हो गए हैं संपर्क के। मुंगेली तरफ बरेला जैन है वहाँ भी 10-12 जी एनीकट के पास फंसे हैं, वो मंडला भी रेस्क्यू करे पर अभी प्रयास जारी है शासन की तरफ से। जी, ये क्षेत्र के मोढ़े गांव के विषय में एक चर्चा बने रही से कि वहाँ की स्थिति है विशेष रूप से सबसे ज्यादा खराब है, तो वहाँ के वर्तमान स्थिति का है आप मन बता सकत होगा? आदमी मन चितावर में फंस गए रहे हैं और अभी तो जान के सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो ज्यादा जरूरी है, ओकर बार प्रशासन पूरा तत्परता दिखाते और जैन संपत्ति और एकर नुकसान है ओकर बात फिर ओकर आकलन हुई जब पानी उतर जाए तब फिर ओकर आकलन संभव हुई। अभी जब पानी बढ़े है तो कोई भी आकलन करना भी संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी धन्यवाद भैया, नमस्कार। तो अभी आप मन देखे हो हमारे संग तखतपुर क्षेत्र ले विधायक और संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह जी जुड़े रही हैं। तो जैसे बताएं कि प्रशासन के तैयारी पूरा हो गए है और कल के उदाहरण भी दिन के खूटाघाट ले कैसे रेस्क्यू करके एक व्यक्ति के जान बचाया गई, तो पूरा तैयारी के विवरण उमन आप मन ल दिन। एक संगे संग यू बात निकल गया इसके जिन नुकसान हो गए थे राजस्व विभाग हा आकलन करे के बाद ओकर भरपाई भी करी। तभी रुका था नेक्टी छोटकन ब्रेक पर, फिर आप मन बने रहो अमर संग, देखा तो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।